स्वच्छ गांव स्वच्छ भारत। पवित्र अभियान की सफलता में अपना सहयोग दें, तय सुनिश्चित कर लें कि सभी ग्रामीण परिवार शौचालय का निर्माण कराकर उसका प्रयोग भी करें। अभी समय हम लोग के गांव में घर घर शौचालय बना हुआ। तो भैया भाभी शर्म किया, बाहर हटकती जाना बंद की। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती। ये देश गंगा का देश है, ये वीरों का देश है, ये देश वीरांगनाओं का है, ये सभ्यता और संस्कृति का देश है, ये देश गीत और संगीत का देश है, और उत्तर प्रदेश इसका दिल है। स्वच्छ भारत मिशन का लाभ गांव गांव तक पहुंचाना उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके तहत आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण, IEC प्रोग्राम, CLTS प्रोग्राम का बृहद आयोजन प्रदेश स्तर पर किया गया। उस बच्चे को स्तनपान कराती है तो वो वायरस कहाँ लग गए, उसके सीने पे लग जाते हैं। माँ का दूध पकड़ता है, कभी इधर जीभ चलाता है, कहीं उधर हाथ चलाता है, और वो हाथ अपने मुंह में ले जाता है। हमारा टारगेट है कि हम December 2017 तक अपने जनपद कानपुर नगर को ODF करके दिखाएं। स्वास्थ्य का सीधा संबंध साफ सफाई और पीने के पानी से होता है, जिसमें अशुद्ध पेयजल, खुले में पड़ा मल, गंदा वातावरण, जल भराव आदि, इन पर ध्यान न देने से पोलियो, कॉलरा, टाइफाइड, डेंगू, स्वाइन फ्लू, डायरिया और इंसेफेलाइटिस जैसी घातक बीमारियां पैदा होती हैं, जिससे प्रतिवर्ष लाखों व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार खुले में शौच के कारण बीमारियां तो होती ही हैं, इसके अतिरिक्त महिलाओं के आत्मसम्मान को भी भारी ठेस पहुंचती है। समय की आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया। महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। ये सरकार से होता नहीं है, जन भागीदारी से होता है, और ये काम हम सबको मिलकर के करना है। यही नहीं, गंगा के किनारे बसे सभी गांवों को स्वच्छता मिशन में शामिल किया गया। खुले या गंगा किनारे शौच को रोका गया और लोगों को जागरूक किया गया, जिसके तहत लगभग 1100 गांवों को आच्छादित किया गया। शर्म करो भाई, शर्म करो। स्वच्छता मिशन के तहत देश और प्रदेश के सभी जिलों और हर गांव में शौचालय की व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया और साफ सफाई के प्रति प्रेरित किया गया। पिछले 6 महीनों में प्रदेश में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों के साथ मिलकर लगातार काम किया जा रहा है। इसका मतलब ये है, हम लोग ट्रिगरिंग और फॉलोअप के माध्यम से जनता से जाके डोर टू डोर जाके प्रेरणा करती है। हमारा जितने भी स्वच्छाग्रही है और जितने भी राजमिस्त्री हैं और पूरा कैपेबल रूप से काम कर रहे हैं। प्रदेश में लगभग 1,20,00,000 शौचालयों का निर्माण कराया जाना है, जिसमें से अभी तक 8,00,000 से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। प्रदेश में 12,000 ऐसे स्वच्छाग्रहियों को जोड़ा गया है जो लोगों को घर घर जाकर जागरूक ही नहीं करते, बल्कि खुले में शौच से रोकते हैं। छोटे बच्चे भी हैं हमारे गांव में जो कि गोद में भी हैं, तो अगर वो लेटिंग करते हैं तो वो मल लेटिंग में ही डालते हैं।
यहाँ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लगातार कार्य हो रहा है और अब तक हम 122 गांवों को ODF यानी खुले में शौच से मुक्त कर चुके हैं और हमारी टीम लगातार काम कर रही है। अब तक कुल मिलाकर लगभग 50,000 शौचालयों का निर्माण हो चुका है और गुणवत्तापूर्वक शौचालय का यहाँ निर्माण हो रहा है और शौचालय के निर्माण के अलावा जो मेन फोकस है वो है शौचालय की उपयोगिता पर। शत प्रतिशत महिलाओं के खाते में पैसा दिया गया, जिसका ये परिणाम हुआ कि 90 दिनों के अंदर 290 शौचालय का निर्माण करा के यहाँ के प्रधान जी ने। अब अपने आप सोच बदल रही, अब तो बाहर गांव में अब तो बाहर कोई जाता ही नहीं है और पहले से गंदगी भी अब नहीं होती है। अब इस समय हम लोग के गाँव में घर घर शौचालय बना हुआ है। मिशन के तहत गुणवत्ता युक्त शौचालयों के निर्माण के लिए 1,00,000 कुशल राजमिस्त्रियों को तैयार किया जा रहा है। इनमें से 77,000 कुशल राजमिस्त्री तैयार भी किए जा चुके हैं और 41,000 राजमिस्त्रियों ने अपना काम शुरू कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा 30 जनपदों को दिसंबर 2017 तक खुले में शौच मुक्त बनाए जाने का संकल्प लिया गया है। आगामी अक्टूबर 2018 में पूरे प्रदेश को खुले में शौच मुक्त घोषित करने का बड़ा निर्णय लिया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति बिना जन सहयोग के असंभव है। मेरा आप सभी ग्रामीण माताओं, बहनों एवं भाइयों से आग्रह है कि इस पवित्र अभियान की सफलता में अपना सहयोग दें। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार निजी शौचालयों को बनाने के लिए 12,000 रुपए का आर्थिक अनुदान भी दे रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में 2 गड्ढों वाले जलबंद शौचालयों का उच्च तकनीकी से निर्माण कराया जा रहा है। घर में शौचालय होने से महिलाओं और किशोरियों को खुले में शौच नहीं जाना पड़ता, जिसमें प्रतिष्ठा सुरक्षित रहती है, बरसात और अंधेरे में परेशानी भी नहीं होती है। जो बाहर जाने पे हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता था, और ये गाँव है, जब बाहर जाते हैं तो गाँव के जो लड़के होते हैं, आदमी होते हैं, अजीब अजीब सी बातें होती हैं, और बारिश भी हो जाती है तो गांव का रास्ता एक गड़बड़ भी हो जाता है, और लड़कियां औरतें होती हैं तो उनको एकदम रात होती है तभी जाना पड़ता है, इसकी भी प्रॉब्लम होती है। अभी घर में बन गया है तो सब ठीक रहता है, कभी भी जा सकते हैं अपने घर में, कोई दिक्कत नहीं होती। सदियों से चल रही ग्रामीण क्षेत्र की पुरानी परंपरा को तोड़कर नए मापदंडों को पूरे प्रदेश में स्थापित किया गया। मिशन के तहत CLTS यानी कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन द्वारा इनके व्यवहार में परिवर्तन लाया गया, ताकि ये खुले में शौच से होने वाली बीमारियों से खुद को बचा सकें और अपने आसपास भी लोगों को जागृत कर सकें। फर्क बहुत हो गया, कम से कम संध्या सवेरे नहीं है तो अपने में चले जाते हैं, हम लोग कायदे से लेटरिंग हो लेते हैं, आराम मिल रहा है। इस समय जागरूकता इतनी है कि जितने भी शौचालय बन गए हैं सब बराबर यूज हो रहे हैं, अब पब्लिक बराबर डिमांड कर रही है, हर घर में शौचालय होना चाहिए। इस विधि के अंतर्गत निगरानी समितियों का गठन किया गया। इसकी मुख्य भूमिका सुबह शाम फॉलो अप के माध्यम से ग्रामीणों के व्यवहार में परिवर्तन लाने, पात्र और अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित करने, शौचालय निर्माण में सहयोग करने, स्कूल और आंगनबाड़ी में बैठक कर स्वच्छता के लिए प्रेरित करना शामिल है। सीटी मार मार के हमने सबको मना किया, जब कोई नहीं मानता था तो जो लड़ने को तो हमने हाथ जोड़ के मनाते थे पानी, और जब जैसे कोई बिल्कुल ना माने तो 2-4-10 दिन में अब हम जुड़े न हम थे, और दो चार दस बीस औरतें सब ग्रुप बना करके सारी औरतन को हमने इकट्ठा किया। इकट्ठा करके जब पूरे गांव में घूमते थे तो कोई सबको मानने लगा। अपशिष्ट प्रबंधन में ग्राम पंचायत और परिवार स्तर के आंकड़ों के हिसाब से 7,00,000 से 20,00,000 रुपए तक का अनुदान भी दिया जा रहा है। ग्राम प्रधान सहित अन्य जन प्रतिनिधि भी इन जागरूकता कार्यक्रमों का हिस्सा हैं। जिला स्तर के अधिकारी टीम के प्रयासों की निगरानी करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले के गांवों को ODF ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच से मुक्त बनाने का अभियान चल रहा है। इतने सजग लोग थे कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा कि हाँ भाई ये होना चाहिए, क्योंकि टीवी में भी विद्या बालन आती थी, अमिताभ बच्चन आते, तो उनका भी एक हमने मैसेज दिया कि कोई भी सरकारी
अर्ध सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति 5 दिन की CLTS ट्रेनिंग हेतु स्वच्छाग्रही के लिए चयनित हो सकता है। सरकार ने स्वच्छाग्रहियों के लिए प्रोत्साहन राशि भी नियमित की है। अभी तक इस मिशन में कुल 392 गांव ODF ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार की इस मुहिम को सफल बनाने के लिए इसमें समुदायों को जोड़ा गया ताकि उनकी सशक्त सहभागिता से स्वच्छता मिशन को पूरा किया जा सके। स्वच्छ रहने का इरादा है अपना, सपना नहीं संकल्प है अपना। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, यही संकल्प है अपना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी।